हम उस आदमी को वोट देंगे जो यहाँ से सीट निकाल सकता हो, बीजेपी को हरा सकता हो। बीजेपी को हराना है? बिल्कुल पता है कि जो भी बीजेपी को हराने का काम करेगा वोट उसको देने का काम करेंगे। हम तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को क्यों, ऐसा क्या काम कर दिया बीजेपी ने? बीजेपी ने नेतागिरी खत्म कर दी पूरे देश में। ये बात है, कहता है गुंडागर्दी कम हुई लेकिन गरीबी इतनी आ चुकी कि हर आदमी परेशान। विकास क्या है, अपना खंड को नहीं छोड़ा और तो विकास तो कहा रह गया। कौन सा नेता आया यहाँ? तो कोई नेता नहीं आया, बस उसका बस पग सारे बैठे हैं। एक साल हो गया उन्हें बैठे हुए को, उनका कोई हल नहीं हो रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑब्जर्वेशन की दुनिया में। उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी के सहारनपुर ज़िले में, गांव मोहद्दीनीपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे पीछे गांव निवासी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आगामी चुनाव में यूपी की जो हवा है वो किस पार्टी की ओर जा रही है और किसका दबदबा है। योगी सरकार पिछले 5 सालों में कितना यूपी का विकास कर पाई है? वो कितना दिख रहा है भाई, ये तो सब कोई विकास जितना कर रखा। विकास क्या है, सब रख खंडे को नहीं छोड़ा और तो विकास तो कहा रह गया। विकास वाले ही नहीं छोड़े। विकल्प क्या है? बेरोजगारी और विकल्प क्या है? बेरोजगारी वादे तो कर रखे दुनिया बढ़ गए बड़े बड़े, है कुछ नहीं। हर चीज़ की महंगाई है, महंगाई है, बेरोजगारी और कुछ नहीं है। तेल तो कम कर दिया बेट, 80 रुपये बढ़ा के 10 रुपये, 7 रुपये कम करके कम हो गया तेल। चुनाव है ना? अच्छा, ये तो इसलिए करा गया है। तो ठीक है भाई, हम भी देखेंगे भाई, समाजवादी को देंगे। योगी सरकार कह रहे हैं कि जब कोरोना समय था, काल था, यूपी के अंदर में भयावह स्थिति थी, उस समय हमारे नेता और हम योगी जी गांव-गांव घूम रहे थे, लोगों के बीच में थे और जो विपक्ष दल के नेता थे वो ट्विटर खेल रहे थे घर में बैठकर। कौन सा नेता आया यहाँ? तो कोई नेता नहीं आया, बस उसका बस पग, कोई भी नेता नहीं आया, हमने तो कोई दिखाई भी नहीं दिया। योगी जी आए यहाँ पर? नहीं, कभी नाम भी नहीं आए। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आएगी 2022 में? जी पार्टी का तो यह है भाई, वो तो उनके हाथ में चल रहा फिलहाल, तो किसी को खड़ा वो कर लो अपने को, लेकिन हमारे तो सब समाजवादी आओगे, आपका समाजवादी वोट देंगे। पक्का? पक्का। ये इनका कहना समाजवादी पार्टी आएगी। चाचा जी, योगी जी यूपी के लिए ठीक हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं? वह हमें नहीं पता भाई। आपकी क्या राय है? हमारी कोई राय नहीं है, कोई तो सरकार आएगी। और हमारे लिए तो सारे सही है और सारे गलत भी है भाई। कोई दो काम बताइए योगी सरकार के जो किए हों आपके क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में तो कोई योगी ने कोई काम नहीं आया क्षेत्र में करे। पेंशन मिल रही है? पेंशन नहीं, तो हमारी पेंशन कुछ नहीं है। हम योगी सरकार कह रहे हैं पेंशन दे रहे हैं, हम तो मोहताज बस है, हमें कहाँ मिल रही पेंशन तो जिसे मिल रही हमें तो नहीं मिल रही भाई। इस पर योगी सरकार नहीं, कोई हमारी सरकार नहीं है। चलिए, आप युवा हैं, आप बताइए कि 2022 में किस मुद्दों पर, किन मुद्दों पर यूपी की जनता वोट करेगी? यूपी की जनता जो जी जो किसान बैठे हैं, एक साल हो गया उन्हें बैठे हुए को, उनका कोई हल नहीं हो रहा। बाकी उनके उस पर देखा जाए बेरोजगारी, उसके उस पर देखा जाए, और बाकी जो पढ़े लिखे युवा बेरोजगार फिर रहे हैं उनके उस पर थोड़ी वो की जाए। योगी सरकार तो कह रहे हैं कि यूपी के अंदर में जब से वो 5 साल में आए हैं तो विदेशी निवेश बहुत आया है यहाँ पर। विदेशी क्या, आज यहाँ तो विदेशी आ रहे हैं, बाकी क्या कुछ भी नहीं आ रहा है। कंपनियाँ खुली हैं यहाँ पर कह रहे हैं? कंपनी खुली है, आपको देख रहा होगा कितनी बेरोजगारी यहाँ इंटरव्यू आप वो ले रहे हैं वाइवा, तो देख लो आप ही कितने बेरोजगार हैं यहाँ पे। चलिए, इनका कहना है कि वो नौजवान हैं, उनको रोजगार चाहिए। हाँ जी चाचा जी, 2022 में किस पार्टी को आप अपना बहुमत दे रहे हैं? भाई हमारा बहुमत तो जो है समाजवादी के साथ ही है। अखिलेश यादव ने जी ने कौन से ऐसे वादे कर दिए? ऐसे बहुत अच्छे वादे कर रखे हैं, जो इतना काम उसकी सरकार में हुआ या जितने मतलब बच्चों को जो नौकरी वगैरह मिली, मतलब उनकी वजह से जो है नहीं, आज तक एक भी किसी बच्चे को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिला आज तक इन्हीं 5 साल में। एक भी कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो मेरे गाँव में तो कोई सरकारी नौकर हो।
योगी जी तो कह रहे हैं भाई जो विदेशी निवेश है, निवेश यहाँ कंपनियाँ खुली हैं, युवाओं को रोजगार मिला, सरकारी नहीं मिला, प्राइवेट मिला है। मतलब प्राइवेट तो हमें रोजगार मिल रहा, लेकिन प्राइवेट में भी रोजगार है कहाँ, ये तो बता दो। रोजगार जी भाई ने भाई, रोजगार तो बिल्कुल खत्म है। मान लो हम काम करने वाले आदमी, हमें तो काम ही नहीं मिल रहा जी, हम घर पड़े ठाल ली, कहाँ से पैसे दें, कहाँ से करें काम। सपा बसपा का कहीं नामो निशान है? निशान नहीं है यहाँ तो, कुछ नहीं है। मायावती भी तो पिछड़े दबे कुचलों की नहीं, मतलब यहाँ तो बहुत कम है ना के बराबर, कोई हो सका दो चार बंदों में तो एक बात बंदा। केजरीवाल जी यहाँ पे आ रहे हैं? केजरीवाल भी नहीं आता, तो हल्ला कर रहे हैं दिल्ली में। क्या दिल्ली देखो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो बहुत मुश्किल है, ठीक है जी। नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो भी आओगे समाजवादी आओगे, बिल्कुल खुले। किसी सहयोग से आएंगे जब अकेले दम पर आएंगे? जिसके साथ सहयोग कर रहे हैं, मतलब जो है गठबंधन तो हो ही रहा, लगभग दो तीन पार्टी गठबंधन की सरकार आओगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, युवाओं को बेरोजगार पड़े हैं, तो इसलिए हम समाजवादी को वोट देंगे। जो ना सहारनपुर के जो विधायक जी हैं वो कांग्रेस से हैं, तो कांग्रेस ने आपके क्षेत्र का विकास कुछ किया या नहीं? कुछ नहीं किया, उन्होंने तो आग भी नहीं देखा, किसी को भी पता नहीं कौन है विधायक फिलहाल मौजूद, इसलिए हम वोट तो आप लोगों ने दिया, अभी तो विधायक बने हैं। मतलब जो है अरोड़ा में जो है ना इबाल कांग्रेस का विधायक है, हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन वही क्या कर रहे हैं कि उसके हाथ ही बंधे हुए। मान लो जो थोड़ा बहुत विकास एक दो गांव में करा, कुछ भिजवाया, जो मांगने के लिए गया उसने, जो भी मांगने के लिए गया उसे कुछ ना कुछ दिया। आपके पंचायत में बजट आया होगा उतना उसने लगाया बजट, जब उसके पास कोई बजट ही नहीं आया वो कहाँ से लगा होगा बजट, उनके पास नहीं आया तो कहाँ से लगाएंगे। आपके थोड़ा ही आपके पंचायत में कभी वो आए यहाँ पर? हाँ कभी आए, मतलब मान लो 6 महीने में या 2 साल में, साल में चक्कर लगाया, एक आध चक्कर लगाया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगाया उसने, 5 साल में कोई ज़्यादा चक्कर नहीं लगाया, एक आध चक्कर लगाया, आया है एक आध बार। कांग्रेस भी मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए जानी जाती है कहीं ना कहीं वोट, तो क्यों कांग्रेस से भी लोग खपा हैं क्या? कांग्रेस का वैसे इतना जनाधार नहीं है इधर, बहुत कम जनाधार है। एक बात और भी है, ओवैसी साहब की एंट्री हो रही है बिहार में, एंट्री अच्छी थी ठीक है ना, तो इस बार क्या लगता है यूपी में जो मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनको लुभाने में ओवैसी साहब सक्सेसफुल रहेंगे या नहीं? बस अगर अकेले दम पाते हैं तो फिर तो कोई मतलब सक्सेसफुल नहीं होने का, अगर आते हैं किसी के साथ गठबंधन में तो हम मानते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाए, अगर वो गठबंधन में 20-30 सीटा लेकर भी किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो वो जीतने की उम्मीद रखते हैं, अकेले दम पर कोई नहीं जीतने की उम्मीद रखने का। ओवैसी साहब अगर यहाँ खड़े होते हैं तो आप ओवैसी साहब को वोट दोगे या फिर सपा को? हम उस आदमी को वोट देंगे जो यहाँ से सीट निकाल सकता हो, बीजेपी को हरा सकता हो। बीजेपी को हराना है? बिल्कुल, जो जो पार्टी बीजेपी को हराने में का दम रखती हो उसी को वोट देंगे, उसे वोट देंगे बिल्कुल। पकौड़े तल रहे हो, मोदी जी कह रहे हैं कि पकौड़े तलना भी रोजगार है, मोदी जी कह रहे हैं पकौड़े तलना भी रोजगार है, रोजगार है या नहीं? जी रोजगार क्या, घी रिफाइंड इतना तेज हो रहा, बताओ उसमें क्या आ रहा, 5 रुपया समोसा बिका है यहाँ से, अब 5 रुपये समोसे में क्या पता पड़ता हो, देखो दुकान खाली पड़ी सारी, कोई भी गाहक नहीं आया, भी गाहक नहीं आता, बताओ क्या कर सके तुम, रोजगार नहीं है, रोजगार कुछ नहीं है, ठाली बैठे यहाँ से। तो मोदी जी वैसे कह रहे हैं? वैसे ये कह रहे हैं बस, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो रहा यहाँ से। युवा क्या करेगा? युवा तो बस यही भागेगा, जो रोजगार देगा उसकी तरफ भागेगा जी, जो भी रोजगार देगा युवा उसकी तरफ भागेगा। अब इस बार कौन सी पार्टी दे रही रोजगार? अब ये बार तो यही समाजवादी के पक्ष में जाने का रोजगार हो रहा। अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव, उसके सिवा कोई और पार्टी नहीं? ना और कोई पार्टी नहीं है सर। ओवैसी साहब? ना कोई नहीं है, ओवैसी कोई नहीं है, वो तो कह रहे हैं हम आ रहे हैं यूपी में। ना 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 कोई नहीं आ रहा, बस समाजवादी पार्टी। 2022 में चुनाव है, 4-5 पार्टियां मैदान में कूदी पड़ी हैं अभी, तो आपके मद्देनज़र कौन सी पार्टी बहुमत की ओर जा रही है? देखिएगा ऐसा है, फिलहाल का जो दौर चल रहा है भाई, बीजेपी पार्टी ने बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसा सफाया किया है लोगों का, गरीब आदमियों को और ज़्यादा गुर्बत की ओर धकेल दिया, तो गरीब आदमी की सोच उस तरह से है कि जो भी बीजेपी को हराने का काम करेगा वोट उसको देने का काम करेगा। बीजेपी तो कह रही है कि हमने तो विरोधी पार्टियों का सफाया कर दिया। इसमें विरोधी का कोई मतलब नहीं है, एक मजदूर आदमी अगर है कोई तो उसे सिर्फ अपनी मजदूरी तक सीमित है, वो अपनी मजदूरी तक मतलब रखता है, वो किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता है, लेकिन उसका दिमाग और पूरा ये लगा पड़ा है कि बीजेपी पार्टी किसी तरह से यहाँ से ख़त्म होनी चाहिए। जिन लोगों ने बीजेपी को पहले वोट दिया है
वो फिलहाल ये कह रहे हैं कि हमें बीजेपी पार्टी नहीं चाहिए, हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, और वो लोगों को मिल नहीं रहा है, महंगाई इतनी आसमान छू रही है। मकान वो उन लोगों के बनवा रहे हैं जो उनके अपने लोग हैं, जो मकान के काबिल हैं। आइए आप मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे गांव में कम से कम 20 आदमी ऐसे हैं जिनके घर पे छत नहीं है, और मेरे साथ चलो मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आपने दिखा दिया, कहने लगा हाँ चार कड़ी भी इसके मकान पर रखी हुई है, तो सारी जिंदगी में आपकी गुलामगिरी करने का। जो बड़े बड़े, मैं दिखाता हूँ आपको, चलो मेरे साथ बैठो। जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं योगी सरकार के द्वारा कि हमने गाँव में जाकर मकान दे दिए, लैटरिन बाथरूम सब कुछ बना के दिया, तो वो खोखले हैं क्या? आज तक जितने भी प्रधानमंत्री देश में आए हैं, किसी ने ताजमहल बनवाया है, किसी ने लाल किला बनवाया है, मोदी जी ने क्या बनवाया? लैटरिन बाथरूम बनवाई है। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद परवेज फौजी है। इस बार सपा नहीं, देखो ऐसा है, सफा है किसी का करने के लिए तो सपा तो चाहिएगी। और जो ओबीसी साहब आ रहे हैं, वो ओबीसी साहब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, आइए ओबीसी साहब, वेलकम। बहुत लोग हैं जो ओबीसी साहब की बात कर रहे हैं। ओबीसी साहब भी जो है भाई, आज के टाइम में सच्चाई है कि ओबीसी साहब ही एक वो शख्सियत है इंडिया के अंदर जो मुस्लिमों की बात कर रही है, जो हक की बात कर रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ओबीसी साहब वोट कटवा हैं, वो वोट काटने का काम कर रहे हैं। देखो जो विरोधी पार्टी है वो तो ये कहेगी कि ओबीसी साहब वोट काटने का काम कर रहे हैं। अपने ही लोग कह रहे हैं कि वो वोट काटने का काम करेंगे अगर वो खड़े होते हैं और लोग उनको ना वोट देते हैं, क्योंकि सपा फिर कमज़ोर हो जाएगी, सपा बसपा ये पार्टियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, क्योंकि इनकी जो पहुंच है वो मुस्लिम बहुल इलाकों में पकड़ मजबूत है, तो इनकी पकड़ ढीली होगी कहीं ना कहीं ओबीसी साहब के आने से। ऐसा है, अगर ओबीसी साहब मैदान में आ रहे हैं तो उनके आने से कुछ फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। वजह, आज के टाइम में अगर ओबीसी साहब मैदान में आ रहे हैं, कुछ लोग उनको वोट दे रहे हैं, उनको वोट मिलना भी चाहिए, लेकिन बीजेपी का सफाई अभी होना चाहिए। आप चाहते हैं ओबीसी साहब और सपा मिलकर आए? बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो वेलकम, बहुत बढ़िया बात है। अगर ओबीसी साहब और सपा मिलकर के आएंगे तो बहुत बढ़िया बात है। तो अगर ओबीसी साहब आ जाएंगे तो कल को इनकी मजबूरी होगी गठबंधन करने की, तभी तो ओबीसी साहब को फिर गले से लगाएंगे ये लोग। आज अगर ओबीसी साहब को गले से नहीं लगा रहे हैं, अब बिहार में देख लीजिएगा क्या हुआ है, बंगाल में तो चलो ठीक ठाक मामला निपट गया, अब बिहार का जो मुद्दा है वो पूरे का पूरा सारा ओबीसी साहब के कंधे पर रखा हुआ है कि ओबीसी साहब ने बिहार हरवा दिया, तुम इनके साथ में गठबंधन क्यों नहीं किया? ये तुम्हें अच्छे नहीं लगते? ये क्या इंडिया के रहने वाले नहीं है? ये क्या भारत के मूल निवासी नहीं है? आप ओबीसी साहब को क्या कहना चाहोगे? यूपी की जो है ना, जो समीकरण बन रहा है अभी, उसके मद्देनजर क्या कहना चाहोगे आप ओबीसी साहब? हमारा भारत वतन आज़ाद है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वो चाहे ओबीसी हो या भीम आर्मी हो या आम आदमी हो, हर एक आदमी को चुनाव लड़ने का पूरा हक है, उनको जितनी भागीदारी मिलेगी उतनी मिलनी चाहिए। पार्टी 2022 में आ रही है, सपा होगी भाई, सपा आ रही है, सिर्फ सपा। 100% आपके जो विधायक जी कांग्रेस के हैं, उन्होंने काम नहीं किया कुछ भी? कांग्रेस के विधायक ने काम नहीं आया, आगे भी देखा नहीं अभी तक। मैं ये तो मुझे मजाक ही अभी तक आई नहीं यहाँ पर, वो अख्तर मसूद है। तो वोट तो आप लोगों ने दिया ना उनको? वोट तो हमने जब भी सपा को दिया था, वो गठबंधन था बस इसलिए सपा दे रहा, लेकिन अब भी हम सपा को ही देंगे और सपा की सरकार आवेगी, 100% आवेगी। इस बार अखिलेश यादव चाहने वाले तो हम भी हैं, तो मोदी का विचार हमें बढ़िया लगे, जैसा कि उन्होंने गैस सिलेंडर दिया है, गैस सिलेंडर दिया है तो मतलब ये है कि लोगों को ये पता लगा कि हमारे पास घर में जो है गैस सिलेंडर आ चुका है, तो उस गैस सिलेंडर आने के बावजूद ये है कि आज हज़ार रुपये का सिलेंडर क्यों है? हमें ये लोगों को यह पता था कि हमारे विचारों में था कि हमें हमेशा ही फ्री मिलेगा, तो रखने के लिए दिया है वो क्यों जी? तो मतलब एक ये गैस सिलेंडर का हम क्या करेंगे खाली का? पर जो अभी मौजूदा हालात में देखा जाए तो देश के अंदर में 1000 रुपये का सिलेंडर भर रहा है, तो लगभग 900 से 1000 रुपये भर रहा है। देखो जो है पहले जो है तो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सेंटर में और अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में, महंगाई का कितना अंतर आप देखते हैं? मैं सुन तो अब तो जो है कम से कम 4 गुना है। आपका नाम क्या है? मांगेराम। आप यहीं के निवासी हैं जी? इस बार कौन सी पार्टी आ रही है? देखो जी है पार्टी के विषय में ये बताया जाएगा, पब्लिक देखकर खुद बताएगी कि यह विषय अच्छा खाया। नहीं फिर भी तो कोई ना कोई पार्टी आएगी 2022 में, हमारे नज़र में ये नहीं आ रहे हैं कि ये विषय इनके लिए मिलेगा। योगी जी फेल है? योगी फेल है हमारे लिए, यो विचार हमारे लिए जो है फेल हो चुका है। आप बताइए एक पार्टी का नाम बताइए जो 2022 में आएगी, एक पार्टी का नाम।
एक पार्टी के विषय के बारे में जो है अभी हम खोल नहीं सकते, जो है विषय फिर बताएंगे जब हम जो है टाइम आपका आ गया है इलेक्शन लड़ने का, जो है उसके बाद में विचार फिर बाद में। चलिए भाई साहब, अभी 5 साल और वेट करना चाहते हैं। अच्छा आप बताइए, आप युवा हैं, कौन सी पार्टी आ रही है, क्या नाम है आपका? हसीन है। क्या करते हो आप? काम करता हूँ वेल्डिंग का। काम करते हो वेल्डिंग का। तो युवा के तौर पर आपकी वोटर कार्ड बना हुआ आपका? हाँ वोटर कार्ड है मेरा। तो किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे आप? मैं तो कुछ कह नहीं सकता अभी किसी के पार्टी के बारे में। कुछ तो सोच रखा होगा कि मैंने इस पार्टी को वोट देना है। अखिलेश को। अखिलेश यादव को? पक्का? पक्का पक्का। कोई और पार्टी नहीं? कौन सी पार्टी आ रही है? पार्टी कोई भी हो लेकिन लोगों के हित में हो, होनी चाहिए। योगी जी भी तो हित में काम कर रहे हैं। योगी कह रहे हैं वो थोड़ा सा जो है ना जातिवाद करते हैं और लोगों को उकसाते हैं, सांप्रदायिक लगता बढ़ती है और कहीं फिर मरने की खबर आती है, कहीं झगड़े बंद फैलते हैं। सियासी जो समीकरण है वो किस पार्टी की ओर इशारा कर रहे हैं 2022 में? हम तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को? क्यों, ऐसा क्या काम कर दिया बीजेपी ने? बीजेपी ने नेतागिरी खत्म कर दी पूरे देश में से। नेतागिरी खत्म कर दी, आम आदमी बना दी सबको समाजवादी, और भोजन में हर घर में नेता था, वो खत्म है, बिल्कुल खत्म है। वंशवाद खत्म कर दिया क्या है? वंशवाद खत्म कर दिया, सबसे बढ़िया बीजेपी। गुंडा एक्ट खत्म, गुंडा भी खत्म हो गया, खत्म। और क्या? तो आपके हिसाब से बीजेपी इस बार योगी जी और अखिलेश यादव जी कहाँ जाएंगे फिर? हमें नहीं पता है कहाँ जाएंगे हम। और दीदी कहाँ जाएंगी? हैं दीदी कहाँ जाएंगी? दीदी को तो हम जानते ही नहीं कहाँ जाएगी, यहाँ तो कोई उसका है ही नहीं। चाचा भाई साहब कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कम हुई है। गुंडागर्दी कम हुई, ये बात हकीकत है, गुंडागर्दी कम हुई लेकिन गरीबी इतनी आ चुकी कि हर आदमी परेशान है। पेट्रोल में दिवाली में तोहफा दे दिया मोदी जी ने। गुंडागर्दी के नाम पर, गुंडागर्दी के काम पर मोदी योगी जी को तो श्रेय जाएगा ना? थोड़ा ही देखी जाएगी, और भी तो कुछ देखा जाएगा। रोजगार कहाँ है? योगी जी तो कह रहे हैं 100 करोड़ नौकरियाँ, यो फलाना नाच फ्री खिला दिया, नाच फ्री खिला दिया, हमारे मीटरों में ठोक दिया। हमारे बिल योगी सरकार से पहले हमारा मीटर में जो है मीटर था 200 रुपये का बिल आ गया था, अब 550 रुपये का आ रहा। नाच फ्री खुआ 300 रुपये उनको बांट दिया, हमारे बांट दी नहीं बांट दी। सपा की सरकार आवेगी 100% आवेगी, इंशाल्लाह वही आवेगी। रात में यो ओवैसी तो है बीजेपी छोटी बीजेपी, ओवैसी 100% छोटी बीजेपी है। तो इसका बंगाल में नहीं चला, इन्हें बिहार में नाश करवा दिया, अब यो यहाँ सोच रहा लोग इतने पागल नहीं रहे उत्तर प्रदेश के भैया। अब ओबीसी को खत्म भगा मांगे तो वो तो स्कूल के बच्चों को लगा ब्लॉक में दर्शन होता है और जीव रैली कर ला, कोई देखा बुढ़ा या जवान दाढ़ी वाला मंदिर से जाकर थे बेचारे, ये पड़ पुड़ के बना पीछे चलते हैं। भीड़ तो बहुत आ रही है उनके रैलियों में, भीड़ मनी वोट है, वोट तो हमारी जेब में जी, वहाँ हम जाएंगे ना पैसों। भीड़ को तो दुनिया जगह देखने तुम मीडिया वाले आए, तुम देख सब बच्चे देखने आए, कहीं तुम वोट देना है। भीड़ तो कुछ ही कर लो, भीड़ में कुछ नहीं है, वोट तो हमारी जेब में। अरे वोट पास सुनो योगी जी ठीक है, हमें बीजेपी को हम खान रहे कुछ नहीं कह रही, इन्होंने धर्म के नाम पर अब देख लो वहाँ उसमें त्रिपुरा में क्या रखा, देरी मीडिया कोई खबर रही कर दिया नाश नहीं मारा, धर्म के नाम पर बांट दे देश को, हिंदू मुस्लिम मंदिर अच्छा मस्जिद है वहाँ मंदिर इन्होंने तोड़ के मंदिर बना दिया, कौन से हिंदू है हमारे अड़जन आ जाए जाएंगे वहाँ पूजा करने, इन्हें पढ़ने देगा कोई? ये पहले लेंगे 500 रुपये घूमने को। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्पाक। कौन सी पार्टी है 2022 में? अरे वोट तो किसी को भी दे दे लेकिन वोट तो किसी को भी दे देंगे लेकिन महंगाई तो कम हो, महंगाई ने कमर तोड़ दी। महंगाई कम हो रही है? नहीं कहाँ हो रही है, कम कहाँ हो रही महंगाई, आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता महंगाई का? नहीं आप जनता आप बताओ। नहीं आपको नहीं मालूम है का? नहीं आप जनता हो आप बताओ। आप तो आप भी तो जनता ही हो, आपने जनता हम तो पूछने आए आपसे। नहीं आप भी तो मालूम हो, सवाल कर रहे हो, आपको भी मालूम है कौन सी पार्टी आ रही है। एक पार्टी बताइए, एक पार्टी बताइए कौन सी पार्टी आ रही है। हम तो सपा को लाएंगे नहीं, सपा आएगी इसके मोदी जी के देश सही हो जाएगा बिल्कुल। एक बार और चाहते हैं आप? हैं एक बार और योगी जी के आए? नहीं मोदी जी के, मोदी जी आए। और यूपी में? अरे यूपी में तो कोई आ जाओ, यूपी का योगी जी भी तो जोर लगा रहे हैं, कोई आ जाओ, सब लूट रहे इस देश को, जनता कमा रही है खा रही है। योगी जी तो कह रहे हैं कि हम योगी हैं, हमारा कोई आगे ना पीछे। अरे हाँ ऐसा कौन है जिसका आगे पीछे नहीं है,
ना उनका कोई वंश है, ना कोई आगे, ना कोई बेटा ना बेटी, ना कोई परिवार, फिर देश कैसे तरक्की करेगा? आगे की नस्ल कहाँ से चलेगी देश की? उसके लिए अखिलेश यादव भी है, अखिलेश उसका बाप है, मायावती उसकी भी बाप है। हमारी चाहत तो है साइकिल पे, साइकिल पर, साइकिल पर चलेगा यूपी? जी जी, हमारी चाहत तो साइकिल पे। हाथी पर नहीं चलेगा? नहीं, हाथी पर नहीं चलेगा। क्यों? बस वो तो हमारी अपनी मर्जी है, मर्जी पर डिपेंड करता है कौन किधर को जा रहा।